कितने खबरों में बरसाना के श्रीजी मंदिर में आज लड्डू मार होली खेली जाएगी। मंदिर की अटारी यानी कि छत से लड्डू लुटाए जाते हैं। श्रद्धालु नीचे आंगन में और राधा रानी की छतरी से लड्डू लूटते हैं। इसके लिए भक्तों की भारी भीड़ नजर आती है। वहीं देखने के लिए लाखों श्रद्धालु भी बरसाने पहुंच रहे हैं। वहीं से आपको एक खास रिपोर्ट दिखाएंगे। ब्रज में होली के जयकारे गूंजने की आवाज आप सुननी रखी होगी, क्योंकि ब्रज की विश्व प्रसिद्ध होली मानी जाती है, क्योंकि हम मौजूद हैं बरसाना राधा रानी के लाडली जी के मंदिर के गेट नंबर 1 के ठीक सामने खड़े हुए हैं। क्योंकि यहाँ सीढ़ियों के माध्यम से जो श्रद्धालु हैं, जो ऊपर होली खेल के सीढ़ियों के माध्यम से नीचे आ रहे हैं, हम बात करेंगे यहाँ जो विश्व प्रसिद्ध होली है इसको लेकर जो श्रद्धालुओं का जो सैलाब उमड़ा हुआ है। यहाँ लाखों की संख्या में श्रद्धालु होली खेलने के लिए आते हैं। हमारे साथ तमाम ऐसे श्रद्धालु हैं जो अलग अलग जिले से आए हुए हैं। हम पूछेंगे कहाँ से आए और क्या क्या नाम है जी आपका? रेखा शर्मा। कहाँ से आई आप? दिल्ली से। आज आप होली खेल के आई थी आप ऊपर? हाँ बेटा। क्या कुछ कहेंगे होली को लेकर? बहुत अच्छा लगा, हमें तो बहुत अच्छे दर्शन हुए भैया। हाँ हाँ, बहुत बहुत मतलब पहले से बहुत सुरक्षा है, बहुत अच्छा हुआ आपके ऐसे, मतलब जैसे भीड़ थी मतलब कोई परेशानी नहीं हुई। हम तो भैया बस आइए, हमारा परिवार तो हम चार ही जने हैं, चार पांच। कल लठमार भी होली है बरसाने की, तो आज तो हम चले जाएंगे भैया। हाँ विष्णु कोटा से आए हम जी, आप होली खेल के खेली आपने? बिल्कुल होली खेली। क्या कुछ कहेंगे होली के बारे में? ये होली खेल के बहुत अच्छा लगा और ये प्रेम का प्रतीक है, और इसके लिए मैं यूपी पुलिस और यूपी प्रशासन को भी धन्यवाद दूंगा जो इतनी शांतिपूर्वक काम चला। और यहाँ जितने भी लोग आए हैं सब लोगों ने, मैंने जहाँ तक देखा है सब शांतिपूर्वक होली चली है, कोई भगदड़ नहीं है। इसके लिए मैं यूपी सरकार और यूपी पुलिस को धन्यवाद देता हूँ। उत्तर प्रदेश से भारतीय किसान संघ जो अपना संगठन है उसमें प्रांत होली के लिए कहेंगे, सभी से मेरा निवेदन है कि बहुत हर्षोल्लास से, जैसे होली मन नहीं है इसी तरीके से होली मना, कोई धक्का मुक्की नहीं कर रहा, बहुत अच्छा माहौल लगा। मैं तो पहली बार आया हूँ और हमारी टीम में 11 लोग हम आए हैं यहाँ पे होली के लिए, होली कार्यक्रम देखने, और बड़ा अच्छा लगा क्योंकि बहुत शांति प्रिय लोग भीड़ में चलते रहे और उतरते रहे, किसी ने एक दूसरे को धक्का नहीं दिया। यहाँ प्रशासन को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ, अपने मीडिया कर्मियों को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ इस चीज़ कवरेज करने के लिए, क्योंकि हर किसी की इच्छा होती है इस होली को लेके, क्योंकि ये होली साक्षात भगवान के साथ खेली जाती है। बताया जाते हैं कि आज से ही लड्डू मार होली शाम को होनी है, इसके बाद कल लठमार होली होगी, फिर गोकुल नंदगांव मथुरा या वृंदावन की बात करें तो सभी जगह आज से होली शुरुआत होगी, क्योंकि ये होली विश्व प्रसिद्ध होली मानी जाती है। क्योंकि बरसाना एक जो गलियां हैं, बरसाना की जो गलियां हैं उन गलियों में हम हैं, क्योंकि यहां से ही कल राधा रानी और श्री कृष्ण की जो झांकियां हैं वो निकाली जाएंगी और कल ही लठमार होली की शुरुआत की जाएगी। हमारे साथ और भी ऐसे भक्त हैं जो होली खेल के बांके बिहारी के राधा रानी के मंदिर से निकले हुए हैं और सीढ़ियों के माध्यम से या इस रास्ते से आए हुए हैं। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम राधिका। कहाँ से आई हैं? अमृतसर से। आप होली खेल के ऊपर आए तो क्या कुछ कहेंगे होली को लेकर? ऐसा आनंद कभी भी कहीं भी नहीं है जो ब्रज में यहाँ है बरसाना में। तो कितने लोग आए आप? हम 7 लोग। कितनी बार आप बरसाने की होली खेल के? मेरे 4 साल हो गए हैं। 4 साल से लगातार आ रहे हैं? हाँ जी, क्योंकि ये होली विश्व प्रसिद्ध होली है ही है, क्योंकि इसको लेके प्रशासन भी अलर्ट है, चारों ओर पुलिस की तैनाती की गई है, जगह जगह बैरिकेडिंग लगाई गई है जिससे किसी भी श्रद्धालु को किसी भी तरह की कोई समस्या ना आए, क्योंकि इसके राधा रानी के मंदिर के बाद ही पार्किंग की व्यवस्था की गई है, वहां गाड़ियों की सुविधा लगाई गई है, क्योंकि अंदर आने से ट्रैफिक की भी जो व्यवस्था है वो न ठगमगाए। इंडियन तो फिलहाल अभी के लिए सिर्फ